गाइस, तो हम आ गए हैं बुरहानपुर की इच्छा माता मंदिर और आपको मैं पूरा मंदिर एक्सप्लोर कराऊंगी स्टेटरन से। सबसे यहाँ पहले पे ये पार्किंग के पैसे लगते हैं 5 रुपए से लेके 10, 20 और 30 तक। तो ये पूरा आप यहाँ पे सबसे पहले पार्किंग के लिए रिसिप्ट ले सकते हैं। फिर ये छोटी सी शॉप है। अब हम आगे एंटर करेंगे और मंदिर को एक्सप्लोर करेंगे। मेरी दोस्त निधि और हम जा रहे हैं इच्छा माता मंदिर। आगे आइए निधि जी, हमारी दो हेलो तो बोलिए। हेलो, हाय, कैसे हैं आप लोग? आप चलिए हमारे साथ, मेरे साथ इच्छा माता के दर्शन। तो मंदिर में एंटर करने के पहले ही यहाँ पे पी रहे हैं गन्ने का जूस। तो ये है हमारी जनता, मामा जी, मामी जी आरव, और ये है बाबू भैया। जय माता दी। तो गन्ने का जूस को पीने के बाद हम करेंगे माता रानी के दर्शन। आ चुके हैं, माता रानी के दर्शन करने जाएंगे पानी पीने के बाद। ये मेरी बहन है जो इसने टिपिकल ब्लू कलर की इंडियन साड़ी पहनी हुई है। पर्पल। और ये है रितु। हेलो बोलो हमारी जनता को। सो हम आगे बढ़ते हैं, स्टे ट्यून्ड गाइस। So guys, मैंने प्रसाद ले लिया है यहाँ पे 100 रुपीज। क्या प्रसाद के रेट? 100 है ना। 100 रुपए का प्रसाद यहाँ पे मिलेगा, आप प्रसाद ले सकते हो। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे मंदिर माता के दर्शन के लिए। चलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। निधि जाइए। गाइस, जैसे कि देख सकते हैं आप सभी लोग, ये रहा। अब यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। गाइस देखिए, नमस्कार, राधे राधे भारत की जनता, मैं शांतपना मिश्रा फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम आए हैं इच्छा माता मंदिर। वैसे मैंने दिन की एक्टिविटी ज़्यादा कैप्चर नहीं की, इवनिंग को कैप्चर किया क्योंकि आज हम बुरहानपुर से निकलने वाले हैं, तो दिन भर वक्त नहीं मिला हुआ था, हेल्थ भी ठीक नहीं था। तो हम आ गए। तो ये है इच्छा माता का मंदिर। और इस मंदिर की मान्यता ये है कि ये 500 साल पुरानी मंदिर है। इसे एक मराठा सूबेदार ने बनाया था और ये मंदिर 125 फीट ऊंचाई पे है, पहाड़ों के बीच बना हुआ है पूरा इच्छा माता का मंदिर। तो यहाँ मान्यता ये है कि आप जब भी माता रानी से कुछ भी अपनी इच्छा रखते हैं और चुनरी चढ़ा के कोई इच्छा रख के मांगते हैं अपनी इच्छा पूरी, तो यहाँ पर पूर्ति होती है इच्छा की, इच्छा पूर्ण होता है आपकी। और इस मंदिर 176 पूरी श्रेणियाँ हैं। बहुत ही सुंदर माता रानी लग रही थी, हमने माता रानी के दर्शन किए। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही पीसफुल। आप पहाड़ों के बीच में मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम आए तो बहुत अच्छा रहेगा। हम थोड़ा लेट हो गए थे, ज़्यादा ही इवनिंग में हो गई थी निकलते निकलते, क्योंकि 10-15 लोग जब साथ में निकलते हैं ना तो वक्त लग ही जाता। तो यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है, पन्नी धागे बांधना सख्त बना है। और देखिए कितने सारे बने हैं। मंदिर से निकलने के बाद हम आ गए बाबू के घर पे और आज बाबू का बर्थडे है। वैसे अनिल बाबू ये सब और अनिधि ये सब मेरे फ्रेंड हैं। हम लोग का एक पूरा ग्रुप है जो कि लाइफलाइन के नाम से है। पूरे ग्रुप को इंट्रोड्यूस करूँगी मैं अपने आने वाले बर्थडे पे। तो यहाँ सब लोग बाबू का बर्थडे प्री बर्थडे सेलिब्रेट करें, क्योंकि बाबू का बर्थडे 16th of January और हम इतना रुक नहीं पाएंगे बुरहानपुर में। तो अनिल का बर्थडे मनाने के बाद बाबू का बर्थडे प्री बर्थडे सेलिब्रेट किया और यहाँ सब डेकोरेशन की तैयारी हो रही है। उसके घर पर हम पूरा डेकोर कर रहे हैं, छोटा सा डेकोरेशन और बाबू को पता नहीं, और हम उसे सरप्राइज करने वाले हैं। अब यहाँ पे होने वाली बाबू की एंट्री। ये है बाबू लेखराज, और अनिल और बाबू दोनों बुरहानपुर में ही रहते हैं, तो उन्हीं के बर्थडे पे हम यहाँ पे आए थे सेलिब्रेट करने, साथ में बुरहानपुर भी एक्सप्लोर करने। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आई। आप साथ में ब्लॉग में बने रहिएगा और आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा हो। तो भोपाल आने के बाद हमारा एक छोटा सा परिवार बन गया है और हम सब एक फैमिली की तरह हैं। कभी कभी खून के रिश्तों के साथ साथ कुछ एहसास के रिलेशन भी होते हैं जिसमें आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, और आप मतलब ब्लड रिलेशन नहीं होने के बाद भी आप बहुत क्लोज हो जाते हो और फैमिली बन के रहते हो साथ में। तो हम लोग सब लोग एक लाइफ लाइन पूरा ग्रुप है,
तो हम सब एक परिवार की तरह हैं और हम लोग फैमिली में ही आए हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने, सारा परिवार, अनिल बाबू दोनों की फैमिली थी, तो बहुत ही अच्छा रहा पूरा एक्सपीरियंस। वैसे हम ऑल दो ज़्यादा बुरहानपुर घूम नहीं पाए क्योंकि हमको वक्त नहीं मिला, क्योंकि हम जब मिलते हैं तो हमारी खुद की इतनी मस्ती, इतने फ़न होते कि हमारे पास वक्त ही नहीं होता कि हम कहीं भी बाहर जा पाएँ ज़्यादा। तो बाबू बहुत ज़्यादा खुश है, अभी आप देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको ये एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि हम उसको सरप्राइज़ करने वाले हैं। तो आई होप कि बाबू को ये पसंद आए और मैं चाहूँगी कि बाबू प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के अब बताएं कि उसे कैसा रहा लगा अपना ये सरप्राइज। तो या फिर हम आ गए घर और यहाँ पे अनिल बैठ के खाना खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा पूरा एक माहौल बना हुआ है, अंताक्षरी माहौल, और यहाँ पे बहुत अच्छे से सब लोगों ने गाना गाया। अभी आप अनिल के फादर जो हैं वो गाना गाएंगे, आप सुनिएगा और बताइएगा कैसा लगा आपको। बहुत ही प्यारा अंकल ने गाना गाया है और मैं यहाँ पे आके लेट गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो अंकल की आवाज़ बहुत ही सुंदर है, सबने थोड़ा थोड़ा गाया। कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा, ये रूप देख के नत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। की जैसी आँखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। हिरनी के जैसी आँखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोक बहारों में, शोक बहारों में, महके बाजारों में, शोक बहारों में, सरकार तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजानी है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजानी है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। बैंड बजाऊंगा, झूम के गाऊंगा, ब्याह तेरा होगा, बारात सजेगी, सजनी सजन होगे, लोग मगन होगे, मेरी दुआओं से बारात सजेगी। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। लंबी हो तेरी उम्र, हम सबका अरमान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। कुदरत भी हैरान है। वाओ, ब्यूटीफुल, शानदार, मजा आ गया, बहुत प्यारी आवाज है। प्रेम कहानी चांद चकोरी की, प्रेम कहानी प्रेम जगत में है सबसे पुरानी। हम भी मिले थे कभी यमुना किनारे, यमुना किनारे, राधा के संग गोरी नाम हमारे। फिर ये मुरलिया, फिर ये पहलिया, फिर यही संगीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे, ओ मेरे मितवा, हाँ मेरे गीत रे, आजा तुझको पुकारे मेरे गीत। ममताज है
तेरा सारेगा यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जा। अंकल कितनी प्यारी आवाज़ सुन के पापा की याद आई मुझे, पापा मुझे। सो गाइस इसी के साथ करती हूँ मैं अपना डे एंड आई होप कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉच।